मतलब भी बहुत खुश नसीब समझा तू पहली बार जो एक अनपढ़ ना पढ़ना लिखना कुछ नहीं एक मिट्टी ढेला का जो या वीर नर्मद यूनिवर्सिटी गुजरात में जो मान संबंधित एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे यूनिवर्सिटी के जम्मू परिवार ला और कहे गए हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मदेव नमोस्वरा आज समस्त गुरु है जो भगवान तक पहुंचाते गुरु समस्त आज मंच में विराजमान है अति सम्मानित जम्मू गुरु जन के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से हमर कुलपति जी है जो शायद 20 साल से घर से बाहर निकले हों लेकिन ऐसे गुरुदेव तो कहीं मिले ही नीरिस बारंबार प्रणाम जो मान सम्मान एक बेटी लदीन एक बार बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ी में बोला थे और बोला गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ हर जगह जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ी में ही गोठियात हूँ लेकिन कोशिश करूँ यहाँ हिंदी में गोठियाए के टूटा फूटा भी हो सकते कबर के जहाँ के खाओ जहाँ के पानी पियो तो गर्व के साथ कह सकती हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा मोर पर बहुत बड़े है लेकिन शायद आप मतलब बहुत चीज समझ में नहीं आई तो कोशिश करूँ मैं अपन बात ला हिंदी में रखे बार तो आज समस्त मंच में विराजमान अति सम्मानित मंच जम्मू आज दीक्षांत समारोह में शामिल हुए जम्मू हमर बेटी बेटा मल्ला यहाँ के गुरुजन मीडिया प्रेस और समस्त यहाँ के कर्मचारी भैया मल्ला वास्तव में आज दिन बहुत हम सबर सौभाग्यवान हैं कभी तो मैं कोशिश भी कभी जिंदगी में नहीं सोच रहे हूँ कि जो जगह में मैं आज जात हूँ वो जगह में मोर हाथ से मोर जो बच्चे बढ़े थे बेटी बेटा मन आगे बढ़े जगह हाथ से मैं मल्ला एक आशीर्वाद के रूप में मैं अपन हाथ में दूँ और खुश नसीब हूँ मैं कि आज इतना अच्छा परिवार मोला मिले है माँ बाप तो गरीबी में छोड़ दी ढेला की तरह फेंक दिन गरीबी में और आज आप सबके मार्गदर्शन आप सबके गुरुजनों के सहयोग से आज मैं अपन बातला रखेल जाता हूँ तो मैं अपन बातला थोड़ा से हिंदी और छत्तीसगढ़ी में चल सकते बोलते कि जिंदगी में मन में भी इच्छा शक्ति और लगन और स्वयं के प्रति विश्वास और भरोसा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते समाज तो हर बार कई बार ऐसे है कि हम लोग पीछे पकड़ के ही खींचे लेकिन कथे न जो इंसान ला नशा है वो नशा कई प्रकार के है एक शराब पीने वालों को भी नशा है जुआ खेलने वालों को भी नशा है पैसा कमाने वाले को भी नशा है घर में गाड़ी में घूमना नशा है गाना बजाना सब चीज एक नशा ही है लेकिन मन में और एक ऐसे भी नशा है जिसका नाम है मानव सेवा समाज सेवा दुनिया में बढ़ के मानव सेवा समाज सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई ऐसे नशा नहीं है जो जिंदगी भर ना छूट सके वैसे ही मैं एक गांव की महिला हूँ बेटी थी और मन में एक विश्वास हुआ अपने ऊपर कि अब जिंदगी में कोई सहारा नहीं है स्वयं को सहारा बनना पड़ेगा और आज राजनांदगांव जिले से 45 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित जिला हमारा राजनांदगांव जिला पूरा नक्सल प्रभावित जिला है चारों तरफ पहाड़ी चारों तरफ जंगल है वहां मेरा जन्म हुआ मैं 7 साल की उम्र में थी हम 5 बहन और 2 भाई सभी भाई बहन को तो समझ नहीं आ रहा था लेकिन बचपन से 7 साल की उम्र से मेरे समझ में आ रहा था कि जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव होता है क्योंकि मैं एक छोटे परिवार एक गरीब परिवार की बेटी हूँ 7 साल का उम्र में छोटे से होटल में कपबसी धोना मेरा काम बना था ना मैं पढ़ पा रही थी ना लिख पा रही थी ना 2 वक्त को रोटी नहीं मिल रहा था माँ बाप 2 दिन 3 दिन भूखे सुलाते थे हम लोग सुबह रोते थे कि हमको खाना चाहिए माँ बाप बोलते थे कि नहीं बेटी सो जा शाम को मिलेगा खाना शाम को बनाएंगे फिर शाम को रोते थे कि हमको भूख लग रहा है हमको खाना चाहिए फिर रात को सुलाते थे नहीं बेटी सुबह देंगे बिल्कुल आपको खाना देंगे और उस समय माँ और बाप की आंख में आंसू मेरे लिए आज पद्मश्री सम्मान तक पहुंचाया गरीबी के कारण कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था आज
जिस जगह में आज खड़ी हूं ये मेरा 7 साल का सपना था। जब मैं सभी बच्चे लोग पढ़ने लिखने जाते थे, मेरा भी मन लगता था कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहाँ ड्राइवर कंडक्टर होटल में चाय पानी पीने के लिए आते थे, उसके जेब में मैं पैसा देखती थी, तो मेरा मन लगता था कि मैं पैसा, इन लोग बहुत पैसा कमाते हैं, दोनों टाइम खाना खाते हैं, कम से कम मैं अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी खिलाऊंगी और मैं खूब पढ़ूंगी। पुस्तक लेके पन्ना ले लेके देखती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर, वैसे ही बार बार मेरा मन कब्बस ही धोने में नहीं लगता था। मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं पढ़ूं, बहुत आगे बढ़ूं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को खूब पैसा कमाना है, मेरे को बहुत आगे बढ़ना है और माँ बाप के आंख में जो आंसू है उसको बंद करना है। मेरे को मेरी माँ बाप रो रहे हैं, तो ये मेरा एक सपना था बचपन का। 7 साल की उम्र में होटल के एक झोपड़ी में ही होटल था, पीछे मैं बैठ के बच्चे लोग को देखती थी, पीछे में स्कूल था, वहाँ बच्चे लोग बहुत मस्ती करते थे, ड्रेस में जाते थे, पूरा पूरा खेलते कूदते थे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, तो मेरे इतना क्रेन की तरह लगता था कि शायद मेरे माँ बाप भी पढ़ाने लिखाने होते तो मेरे को भी पढ़ाते लिखाते, लेकिन माँ बाप गरीबी के कारण मेरे को नहीं पढ़ा पाए। एक दिन का बात था, ऐसी जुलाई अगस्त का बात था, बहुत पानी गिरा था, बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, मैं दौड़ते दौड़ते स्कूल गई और स्कूल में सर को हाथ जोड़ के बोली कि मेरे को पढ़ना है सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक छोटा सा फ्राक, कई जगह फटा पुराना, दौड़ते हुए बोली कि मेरे को पढ़ना है। वहाँ सर गुरुजी लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको भर्ती होना पड़ेगा, आपको पुस्तक लेना पड़ेगा, अपना ड्रेस लेना पड़ेगा, तब यहाँ पढ़ोगे, अपने माँ बाप के बुला के लाओ। दौड़ते हुए अपने माँ बाप के पास गई, अपने बाप के हाथ को पकड़ के रोती हुई बोलती हूँ कि मेरे पढ़ना है आज, कुछ भी हो जाए मैं स्कूल जाऊंगी। लेकिन माँ बाप मेरे डांट दिए और ये बोले कि बेटी हम गरीब हैं। मेरे को पता नहीं था कि गरीब ऐसे होते हैं जिसके घर में 2-3 दिन भूखा रहना पड़ता, उसी को गरीब बोलते हैं। 7 साल की उम्र में समझ आ गया कि गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। दूसरा शब्द बोले कि तू बेटी है, पढ़ना है, नहीं जाना है स्कूल। मेरे माँ बाप डांट दिए और दो चीज जो क्रेन की तरह लगा, आज जिंदगी महिलाओं का बदलने का जो ताकत मेरे को आया वो गरीबी से और एक बेटी होने के कारण, क्योंकि बेटा को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। और उस दिन मैं ठान ली कि मैं जो बेटा जो काम नहीं करेंगे वो काम मैं बेटी बन के भी एक बेटा बन के दिखाऊंगी, ये मेरा सपना था 7 साल का। एक दिन का बात था, ऐसी जुलाई अगस्त का बात था, बहुत पानी गिरा था, बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, मैं दौड़ते दौड़ते स्कूल गई और स्कूल में सर को हाथ जोड़ के बोली कि मेरे को पढ़ना है सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक छोटा सा फ्राक, कई जगह फटा पुराना, दौड़ते हुए बोली कि मेरा पढ़ना है। वहां सर गुरुजी लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको भर्ती होना पड़ेगा, आपको पुस्तक लेना पड़ेगा, बेटा को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। और उस दिन मैं ठान ली कि मैं जो बेटा जो काम नहीं करेंगे वो काम मैं बेटी बन के भी एक बेटा बन के दिखाऊंगी, ये मेरा सपना था 7 साल का। जैसे दूसरे ड्राइवर कंडक्टर देखते थे तो उनको लगा कि मैं कहीं मेरा मन नहीं लगता था कब्बस ही धोने में, सिर्फ 7वीं कक्षा पढ़ी हूँ, कुछ भी करके समतुल्या करके 7वीं कक्षा तक पढ़ी। और जैसे वहां गई तो ना मेरे पैर में ना चप्पल नहीं दिए थे, ना चप्पल था ना दो, एक साड़ी बस पहन के गई थी, कुछ नहीं था मेरे पास। जब मैं वहां राजनांदगांव से 13 किलोमीटर सुकुल देवहान मेरा गांव है वहां गई तो मेरा घर नहीं था, मेरा पति गैया बकरी दूसरे यहाँ का नौकर काम करते थे, और मैं भी जब वहां गई तो देखती हूँ तो ना वहां एक बर्तन नहीं था खाने के लिए, ना एक दाना चावल था, चारों तरफ लकड़ी था, और चारों तरफ लकड़ी के में झिपाड़ी लगा देते हैं, प्लास्टिक के सीमेंट की बोरा का दरवाजा लगा था। के साथ 20 साल तक गैया बकरी चराते गए, देखेंगे लोग दरवाजा बंद कर देंगे, ये स्थिति मेरे साथ था। 20 साल के बीच में मेरा 2 बेटी और 2 बेटा जन्म लिया, छोटा लड़का 1.5 साल का था और बड़ी लड़की 7.5 साल की थी, ऐसे 2 बेटी और 2 बेटा जन्म लिया। और जब मैं
गांव में भैया बकरी चरा के शाम के समय 6 बजे आती थी, तो मैं तो 7 साल की उम्र में भूखे देखी थी। मेरे बच्चे 1.5 साल से 7 साल साढ़े 7 साल के बच्चे जो छोटे छोटे थे, मेरे बच्चे उठ नहीं पाते थे, हाथ उठाने लेकिन बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे। और एक माँ के लिए बहुत दुख की बात है जो अब माँ अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सके, क्योंकि वो माँ कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के वो अपने बच्चे को जन्म देती है, कई दिन कई रात जगती है, स्वयं भूखे रहेगी और अपने बच्चे को खिलाती है, स्वयं बीमार रहेगी और अपने बच्चे का इलाज कराती है, कई दिन कई रात दुख में तपते हुए भी अपने बच्चे लोग के साथ हंसते हुए मुस्कुराती हुए बोलती है कि बेटा मैं खाना खा ली हूँ तू खा ले। वो माँ बाप होता है और वो स्थिति मेरे साथ था। मैं बोलती थी कम से कम मेरे बच्चे भूखे हैं, चावल नहीं है तो माड़ को दे, चावल का माड़ को दे दो जिससे मेरे बच्चे लोग सो तो जाएंगे, सब मजाक करने वाला है। लेकिन मेरे मन में आदि शक्ति माँ दुर्गा रूप नौ रूप धारण याद आया और मेरे मन में लगा कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है और 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए किसी में ताकत नहीं है तोड़ सके, और वो ताकत आज स्वयं 2001 को मैंने शुरुआत की। जब घर से मैं बाहर निकली, भूखे मरेंगे तो सभी हंसने वाले होते हैं, कुछ करना चाहेंगे तो सब हंसने वाले होते हैं, और समाज कोई बेटी हो चाहे पत्नी हो चाहे बहन हो, कोई भी महिलाएं कुछ करना चाहती है तो पर पैर पकड़ के खींचने वाला ये समाज होता है, ये क्यों? बार बार मेरे मन में लगता था कि एक लाचार है इसलिए सभी लोग हंसते हैं, एक लाचार है तो क्योंकि ये क्यों नहीं जानते कि बोलते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान नारी से नर होते, नारी है तो अपना ऑफिस का भी काम करेगी घर का भी काम करेगी, बेटी है या बहू है चाहे पत्नी हो या माँ, हम लोग का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। एक माँ से कुछ नहीं हो सकता, एक माँ खड़े रहेगी रोड में तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन 10 माँ बैठ जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे बड़ी ताकत संगठन एकता में है, अब ये मेरे मन में लगा और मैं 11 महिलाओं को 2 रुपया पैसा और 2 मुट्ठा चावल हर हफ्ता 2 रुपया जमा करवाती थी और 2 मुट्ठा चावल इकट्ठा कराती थी। उसमें मेरा एक उद्देश्य था, हफ्ता में 2 रुपया और महीने में 10 रुपया जमा करवाई। मेरे को ये नहीं पता था कि नेता अधिकारी ऐसे ऐसे होते, मैं कभी देखी नहीं थी। मैं तो कई महीने तक बाल में तेल या कंघी भी नहीं कर पाती थी, पैर में फोड़ा रहता था, साड़ी भी कई जगह फटे पुराना सिल सिल के पहनती थी। अब वो स्थिति में मेरे को लगा कि मैं कुछ करना है, और 11 महिलाओं को जब जोड़ी तो फिर समाज फिर सामने आ गए कि ये क्या कर रही है, गांव की महिलाएं हैं, घर की महिलाएं घर तक सीमित रहे, घर से बाहर निकलने का काम महिलाओं का नहीं है। सबसे पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा, गाँव वाले लोग जब 11 महिलाएं जब इकट्ठा हुए तो पूरा गांव विरोध में आ गए। ऐसा था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, आज भी मेरे को थोड़ा दुखी लगता है कि मैं भी अंग्रेजी कुछ पढ़ लेती, बड़ा बड़ा दूर दूर में जाना पड़ता है तो मैं कुछ समझती, कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए आज भी लगता था। तो मैं मेरा मेन उद्देश्य था शिक्षा को लेके, तीसरा उद्देश्य था स्वच्छता को लेके, क्योंकि एक महिला शिक्षित हो जाए तो घर गांव समाज शिक्षित हो। अधिकारी अधिकारी ही रहेंगे लेकिन रोजगार एक ऐसी चीज है जिसे जब हम रोजगार करेंगे तो गाँव में हम कैसे लखपति करोड़पति बन सकते हैं और अपना जिंदगी के साथ में अपने पूरा परिवार की जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं, ये रोजगार में मेरा मन लगा। पांचवा मेरा उद्देश्य था समाज में नशा मुक्त हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित है सफाई, ये मेरा नारा है, पढ़ाई भलाई सफाई। बहुत मुश्किल काम था गांव और समाज और परिवार में। जब मैं शुरुआत घर से बाहर निकली, गाँव से बाहर निकली, परिवार और समाज तो चिल्लाते थे लेकिन उसमें एक महान ऐसे हस्ती मेरे को मिले, मैं कभी नहीं देखी थी, और वो गुरुदेव के रूप में आज मैं मानती हूँ। वो वहाँ के कलेक्टर 3 जनवरी को वहाँ कलेक्टर के नाम से आए, नीचे में बैठ के सुन रहे थे,
गांव के विरोध के बाद में गांव में झगड़ा नहीं थी और पेड़ लेते थे, वहां के बच्चे लोग को बाल भोज जैसे माचिस के कीवी, छोटा सा चावल, थोड़ा शक्कर और दूध मंगा के खीर और पूरी बना के छोटे छोटे बच्चे को खिलाते थे। स्कूल में जाके बच्चे लोग को पढ़ाई को देखते थे। इसमें गांव वाले को लगा कि अरे ये काम तो हम लोग नहीं कर पाए, ये महिलाएं करती हैं। तो पहले 2001 6 महीने के बाद में मेरे को एक झंडा फहराने का मौका मिला 15 अगस्त को। उसलिए वो सबसे बड़ा मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने गांव के मन को जीत पाई। फिर कलेक्टर संजीव जब वहां छू रहे थे, पहले बार मैं मंच में खड़ी थी और कई जगह पूरा साड़ी फटा हुआ था, पैर में चारों तरफ पूरा फोड़ा गैया बकरी चरा के आई थी और दुबली पतली हड्डी के ढांचा की तरह खड़ी थी और ऐसी मंच। लेकिन बोलते हैं जिनके साथ आदि शक्ति माँ दुर्गा रूप है, माँ सरस्वती कुछ सहयोग दिए, वहाँ रक्तदान हम लोग स्वयं किए। 12 बाटा महिलाएं रक्तदान किए, स्वास्थ्य शिविर लगा के पूरे गांव का सेवा किए। इसमें गांव तो प्रभावित हुए ही और उसके साथ साथ में गांव में भी बहुत सारा आसपास के गांव में भी समूह बनने के लिए तैयार हुए और धीरे धीरे समूह आज 13,000 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह राजनांदगांव जिला में है। दो से जो पैसा जमा करते थे वो 25 करोड़ नहीं 40 करोड़ बचत राशि आज है और जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं वो 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन के नाम से जाने जाती है। ऐसे कोई गांव नहीं है जहां माँ बम्लेश्वरी स्वयं सहायता समूह नहीं है। समूह बनाने के लिए जाती थी तो बहुत रात हो जाता था, थोड़ा पैर में थोड़ा आ जाता था। मैं स्वयं के ही अपने बदौलत माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन हम चलाते हैं। जाती थी तो देरी हो जाता था तो मैं स्वयं साइकिल चलानी सीखी। चार बेटी बेटा की माँ होते हुए साइकिल चलाने निकली तो सभी लोग बसी उड़ाते थे, ताना मारते थे, सभी लोग मजाक करते थे, लेकिन वो परवाह नहीं था। मेरा तो ये था कि मैं कुछ करूं और सभी को करके दिखाऊं, मेरा मेरे सोच था। और धीरे धीरे 20 किलो 25 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए मैं गांव गांव में समूह बनाने चले गई और धीरे धीरे कई हजार महिलाओं को साइकिल चलाने भी सिखा दी। काम एक का नहीं है, मैं तो एक छोटा सा मिट्टी का ढेला ही हूँ, लेकिन इसमें ढेला में सहयोग करने वाला, इतना बड़ा संगठन तैयार करने वाला बहुत सारे मेरे बहन हैं, भाई लोग हैं जिनके सपोर्ट धीरे धीरे मिलते गए। और आज हमारा मेन काम सबसे पहले जिनको मैं बताना चाह रही हूँ, शिक्षा को लेकर। शिक्षा हमारा अहम था क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी, इसलिए मेरा शादी भी 10 साल में हुआ। इसलिए रोजगार को मैं आगे बढ़ाते हुए, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरे बेटे हो, चाहे बेटी हो, सभी को छोटे छोटे ट्रेनिंग। आज घर में गाय है, भैंस है और बकरी है। पहले मैं झोपड़ी में थी, चारों तरफ लकड़ी का झोपड़ी था, लेकिन आज पक्की घर है, घर में सुविधा है। अब ये सब कुछ रोजगार से हुआ। मैं समाज सेवा तो करती हूँ, लेकिन मेन उद्देश्य था कि खाने के लिए भी तो होना चाहिए और सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए मैं शुरुआत की। पहले बकरी पालन, जिसमें 200 परिवार के घर में सबके घर बकरी है, एक फेडरेशन बना है गांव की महिलाओं का और वो महिलाएं के साथ में उसके पति भी काम कर रहे हैं। दूसरा चीज है हमारे यहाँ कंपनी वर्मी कंपोस्ट टाका, जो फार्म बाहर से सागर से मंगाते हैं। दूसरी चीज तो लगाते हैं, लेकिन इसमें तो लागत नहीं है। मानव नहीं भी होगा तो इसमें हमारा कोई घाटा भी नहीं होगा। तो जिमीकंद को मैं 2 साल के पहले 12 लाख जिमीकंद शुरुआत की। हर एक महिलाओं को 200 जिमीकंद लगवाने के लिए बोली। उसमें डालना है तो जिमीकंद है, उसमें बहुत सारा पोथी रहता है, उसी को लगाने के लिए बोली। कुछ नहीं, उसमें पेड़ा खाली सड़ा पेड़ा है या गोबर है, उसको डाल दो, नहीं है तो कुछ नहीं होता। क्लस्टर तैयार किए हैं, 20 गांव मिला के सेक्टर बनाए हैं, फिर ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है। तो वैसे ही पूरे महिलाओं, जो मेन महिलाओं, उसका एक संगठन तैयार करके हम लोग ये काम को शुरुआत किए। और सबसे बड़ा सम्मान है, अब मैं कर्मा से ही महिलाओं का एक संगठन तैयार करते हुए सामने महिलाओं को जोड़ी हूँ। और ऐसे कोई गांव नहीं है जिसमें संगठन नहीं है। जिमीकंद के बाद डेयरी है, यहाँ तो बहुत अमूल दूध है, लेकिन मेरा सपना है कि मिनी अमूल दूध मैं अपने छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में लाऊं। और ये सोच के छोटे रूप में मैं 30 महिलाओं का काम शुरू करवाई, दो दो गाय
और वो भी बिना शासन से, कोई शासन से कहीं से पैसा हम लोग नहीं लिए, और वो आज बड़े रूप में काम हमारा दिख रहा है। महिलाएं स्वयं सहकारी सोसाइटी, बहुत सारा सहकारी सोसाइटी बना लिए हैं, खाद है, गोबर का खाद है, उसको बेच के कंपोस्ट वालों को बेचते हैं, सभी तरफ से, जैसे जमीन में जंगल है हमारे तरफ, जंगल का जितना भी सामान है वो महिलाएं खरीदती है, उसको अच्छे भाव में दूसरे जगह देती हैं। बकरी को भी दूसरे महिलाएं सोसाइटी खरीदेंगी और बेचेंगे, सरकार को बेचती हैं। ऐसे बहुत सारा डेयरी का भी काम हमारा है जो बड़े रूप में चल रहा है, और सभी जगह महिलाएं हैं। जितना भी काम है, जैसे सरकार का योजना है, सरकार की योजना गांव में आए और गांव में जितना भी समस्या है सरकार तक जाए। मेरे नज़र से नेता बड़े नहीं होते, अधिकारी बड़े नहीं होते, मंच में बैठने वाला बड़े नहीं होते, बैठाने वाले सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि आप हो तब हम हैं और हम हैं तो आप हो, और हम आपसे बड़े नहीं हैं, हम तो बस बोलने वाले हैं, लेकिन करता धरता तो आप हो, आप महल हो। नेता बड़े बड़े नेता हैं, बैठाने वाले तो वो हैं। हम एक दूसरे के चारी चुगली में समय बिताते हैं, किसी घर पक्का बन गया तो बाजू वालों पड़ोसी को बहुत दर्द होता है, और भाई भाई का दुश्मन नहीं होता, लेकिन महिलाएं महिलाएं का दुश्मन, बड़े हैं वो छोटा है, ये क्यों? भगवान तो सभी को एक बनाया है ना, लेकिन छुआछूत क्यों? हम एक दूसरे को क्यों छोटे बड़े समझ रहे हैं? ये सोच है, वो गलत है। इसको मैं एक करने के लिए हर साल हर कार्यक्रम में सभी के घर का चावल बनता है, भंडारा, जिसको खिचड़ी कहते हैं, और वो खिचड़ी माता रानी को चढ़ाते हैं, आदिशक्ति माँ दुर्गा मैया को, और सभी लोग ग्रहण करते हैं। हजारों महिलाएं बनाती हैं, हजारों महिलाएं परसती है, और लाखों महिलाएं खाती है। एक महीने तक हम लोग महतारी दिवस मनाते हैं, माँ दिवस मनाते हैं, सभी के लिए माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सही चीज है उसको नहीं कर रहे हैं, वो है पानी। पानी के बिना जिंदगी अधूरा है, कोई एक घंटे जिंदगी नहीं जी सकते, और इसके लिए हम हर साल 2003 से सोखता गड्ढा का निर्माण करते हैं, कमर तक गड्ढा खनेंगे, उसमें पत्थर डालेंगे, ईटा डालेंगे और कोयला डालेंगे और रेत डालेंगे, और 55,000 एक गड्ढा में हम लोग पानी बचाते हैं, और हर साल पूरे जिले भर हम लोग पानी बचाने का काम भी करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। हवा भी जरूरी है, क्योंकि इतना जहरीला हवा है। एक दिन में 5 लाख तक हम लोग वृक्षारोपण किए हैं। अगले साल हमारा फिर चालू है कि हम हर जगह मुनगा का ही पेड़ दिखे, जगह से कोई भी बच्चा कुपोषित मत रहे, गर्भवती माँ से लेके ये काम हमारा शुरू होना चाहिए। ये काम हम लोग शुरू करें, बहुत सारा हमारा काम है, बाड़ी प्रोजेक्ट है, आदिवासी लोग के लिए हमारा काम चलता है, कि जहाँ बंजर जमीन है वहाँ एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं अभी राज्य योजना आयोग की सदस्य में हूँ, नीति आयोग जिसको कहते हैं, आबकारी विभाग में सदस्य हूँ, बहुत सारा है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं वोट और नोट से बहुत दूर हूँ। कभी वोट और नोट से कभी जिंदगी में मरना पसंद करूँगी, लेकिन राजनीति या फिर पैसा के लिए मैं काम नहीं करती। मेरा सोच यही है कि जिंदगी में सभी लोग तो जीते हैं, लेकिन मेरा जिंदगी है समाज सेवा के लिए है, जी रही हूँ तो समाज के लिए, और मरूंगी भी तो समाज के लिए, और मरने के बाद भी ये शरीर आए तो समाज के लिए, क्योंकि मेरे बीच में दो बेटी दो बेटा ही नहीं है, ये समाज ही मेरा परिवार है, समाज के लिए ही मैं समर्पित हूँ। अपने भरोसे जिंदगी जिए, क्योंकि ये समाज आज देखो कि आज हम लोग को महिला फौज बनाने का मौका क्यों मिला, महिलाओं के साथ 3 साल बेटी के साथ कुकर्म हो रहा है, 8 साल बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, धिक्कार है ये समाज, और फिर भी समाज चुपचाप देख रहे हैं, और इसके लिए हर एक नारी शक्ति को सामने आना होगा, क्योंकि आज हमारा ताकत हम ही रहेंगे। आज स्वयं के एक बाप एक बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है, एक भाई को भी हम देख रहे हैं पेपर और टीवी के माध्यम से, पड़ोसी को देख रहे हैं, क्यों हो रहा है? अब इसके लिए हम सब राजनांदगांव जिला महिला फौज के नाम से तैयार किए हैं, हर एक गांव में 20 से लेकर 100 महिलाएं मिलेगी, सबके हाथ में लकड़ी रहता है, सबके हाथ में सीटी रहेगा और टोपी रहेगा, और वो स्वयं सुरक्षा अपना करती हैं। कहीं भी महिलाएं कोई दारू पी कर कोई लड़का बता दे भला, कोई गांजा पी के बता दे, या कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी करके बता दे, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत है, कोई पकड़ में आ जाए तो उसको फिर बीच में बुला, पूरा महिलाएं इकट्ठा करती हैं, बैठालती हैं गांव के पटेल सरपंच को, माफी मंगाती है, मान लो मान ले तो ठीक है, हमारा क्या कर लोगे आप महिला हो, तो सीधा थाना तक पहुंचा देती हैं। हमारा ड्रेस है गुलाबी, उसमें भी एक बहुत बड़ा हमारा एक उद्देश्य है, गुलाबी फूल जिसका नाम गुलाब है,
अब वो कांटों भरा जिंदगी महिलाओं का है। तो वैसे हमारा ड्रेस है गुलाबी, पंखुड़ी में गुलाब रहता है, उसके बाद सभी को खुशबू बिखेरता है, तो हमारा गुलाबी ड्रेस है। हम सभी को माँ बम्लेश्वरी का नाम से ये करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति से हमारी माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन काम करती है। तीसरा हमारा उद्देश्य, अभी जितना बैठे हैं हमारा 9 ताली ही बजेगा, 2 लाख रहे या कितना भी महिलाएं रहे, सम्मान ले लूँ तो क्या मतलब, वो तो मेरे को रोना आता है। कई लाख रुपया पैसा मिलता है लेकिन मेरे आँख में आंसू ही आता है, लेकिन खुश नसीब भी हूँ कि राज्य का सम्मान मेरे महिलाओं को मिला, राज्य का जिला का सम्मान मिला। ऐसे ऐसी महिलाएं हैं जो विकलांग होते हुए भी वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और कमा रही हैं। बोलना तो कई घंटा तक बोलते रहेंगे, कभी नहीं होगा, लेकिन शायद मैं अपना बात को यही समाप्त करते हुए एक छोटा सा गीत आप लोग के बीच में गाना चाहती हूँ। और बस यही कहूँगी कि जिंदगी में जितने भी आज डिग्री मिल रहा है वो डिग्री ना समझे, एक बहुत बड़ा सम्मान है आप सब लोग का। इसको माता रानी की कृपा से आप भी अपने लिए तो सभी लोग जीते हो, लेकिन कुछ समय समाज के लिए, गरीब के लिए जिंदगी जी के देखो, जो सुकून भरा जिंदगी मिलता है, अपने आप को सुकून मिलता है, कोई चीज में नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कर्ज माँ बाप का ही नहीं है, माँ बाप भारत माता, धरती माता और गुरुदेव के लिए जो जगह है वो किसी के पास जगह वो नहीं हो सकता। इसलिए एक गीत मैं आप लोग के बीच में समर्पित करना चाहती हूँ पूर्व महिलाओं की तरफ से, वो गाना हम सबका प्रेरणा है। तो मैं चाहूँगी जिन महिलाएं, दीदी बहन हैं, बेटी हैं, उन लोग भी गुनगुनाएं, क्योंकि गाना में बहुत ताकत मिलेगा आप सबको। बोलो भारत माता की जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, ठहरा पानी बढ़ने लगता ठहरा बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला खरा दोपक चल कर हार गया, तेज दौड़ने वाला खरा दोपक चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाए दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, धरती चलती अंबर चलते, धरती चलती अंबर चलते चांद रात भर चलता है,
किरणों का उपहार बांटने, सूरज रोज निकलता है, किरणों का उपहार बांटने, सूरज रोज निकलता है, हवा चली तो महक बिखेरे, हवा चली तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो, मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत तुम्हारे मत बैठो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबला। और यही कहूँ कि आज यहाँ से बहुत चीज लेके जाता हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद, समस्त गुरुजन मन के आशीर्वाद लेके जाता हूँ। और बस यही कहूँ कि एक बार छत्तीसगढ़ में भी वो जगह में आऊँ और गांव में ही रह के कैसे एक रोजगार ला हम स्थापित कर सकथन, और अपन गरीबी ला दूर कर सकथन और आगे बढ़ सकथन। नौकरी के तलाश से अच्छा स्वयं के रोजगार से हम आगे बढ़न। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त यूनिवर्सिटी जम्मू परिवार ला मैं धन्यवाद देना चाहूँ, मोर प्रेस मीडिया के भाई मन ला धन्यवाद देना चाहूँ, मैडम जी के धन्यवाद जो कल से आज आए हैं, हम सबके हमार मन के खाना पीना से लेके हम सब चीज़ के व्यवस्था संभाल।